पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती काफी चर्चा में रही थी। अब एक बार जब राज्य में उपचुनाव हो रहे हैं तो केंद्रीय बलों को तैनात किया जा रहा है। जी हां, 30 सितंबर को 3 सीटों पर होने वाली उपचुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की 15 कंपनियां तैनात रहेंगी। चुनाव आयोग ने भवानीपुर केंद्र शासित शमशेरगंज और जंगीपुर में 30 सितंबर को मतदान के दौरान केंद्रीय बलों की 15 कंपनियां तैनात करने का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक राज्यों में जो 15 कंपनियां आ रही हैं उनमें सीआरपीएफ की 8 कंपनियां, बीएसएफ की 4 कंपनियां, एसएसबी की 2 कंपनियां और सीआईएसएफ और आईटीबीपी की एक कंपनियां शामिल है। आपको बता दें, राज्य के 3 केंद्रों पर होने वाले भवानीपुर उपचुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस केंद्र में तृणमूल उम्मीदवार सीएम ममता बनर्जी हैं, उनके खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल हैं, सीपीएम के उम्मीदवार श्रीजीव विश्वास हैं। इत्तेफाक से तीनों ही पेशे से वकील हैं। इस चुनाव को लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। सीएम बने रहने के लिए ममता बनर्जी को निर्वाचित होना जरूरी है, अन्यथा उनके सीएम की कुर्सी नहीं बचेगी, क्योंकि नंदीग्राम में वह हार गई थी। भवानीपुर विधानसभा सीट से सीएम ममता बनर्जी सहित अन्य तीनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अब तीनों ही उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए 30 सितंबर का इंतजार कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हालात बंगाल, न्यूज टैग इंडिया।